आज जो निरंतर हमारा परिवार बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, घंटे दर घंटा बढ़ रहा है, उसी श्रेणी में आज उसी कड़ी में आज कुछ लोग हमारे परिवार में सम्मिलित होने जा रहे हैं। आइए राजकुमार जी, बीच में आ जाओ। बहुत बहुत बधाई हो आपको। और कौन है? लेफ्ट और राइट सब तरफ आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। विक्ट्री साइन भी चलो भाई, विक्ट्री तो हो ही जाएगी। थैंक यू। नमस्कार आप सभी को। मैं आम आदमी पार्टी का बहुत ही डेडिकेटेड सक्रिय मैं उनमें से था और बहुत मेहनत करी। हम आंदोलन के टाइम से जुड़े, अन्ना जी के टाइम से जुड़े और बड़े भावनात्मक उससे जुड़े कि ये पार्टी कुछ अलग कर रही है। और जैसे जैसे हम लोग अंदर आते गए, जहाँ जहाँ ये चुनाव की प्रक्रियाएं होने लगी और राजनीतिक रूप में आए, तो इस पार्टी का रंग और ढंग देख के बड़ी आत्मा में पीड़ा होने लगी। बड़ा अफसोस होने लगा कि हम कहाँ पहुँच गए। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैंने अपना घर परिवार छोड़ के इस पार्टी को ज्वाइन किया था और इस पार्टी के लिए मैंने अपना सब कुछ त्याग दिया, घर परिवार सब, मैं सब को छोड़ के इस पार्टी के लिए कहा था कि ये पार्टी आज देश में कुछ करके आएगी। पर जब ये टिकटों में और इन चीज़ों में ये होने लगा कि इतना धन का प्रयोग होने लगा, मुझे इतना दुख है, बड़ी पीड़ा है मुझे कि मैंने 9 साल इस पार्टी की सेवा करी और अंत में ये मैं देख रहा हूँ इस पार्टी का कि इस पार्टी में पैसों से टिकटें मिलती हैं। हम लोग एक मेहनत करके आए थे। आज अगर मैं अध्यक्ष था, मुझसे भी अगर ये राय शुमारी ली जाए कि भाई वार्ड में कौन आदमी काम कर रहा है, कौन अच्छा काम कर रहा है, उसको प्रत्याशी बना जाए, पर जिसकी पोटली भारी और उसकी टिकट जेब में चली गई, ये सुन के आत्मा में कलेजा फटने को आ गया। मुझसे ये पीड़ा सह नहीं हो पा रही थी। तो बड़े उससे मैंने ये निर्णय लिया कि जहाँ देश की बात आती है वहाँ भारतीय जनता पार्टी का कोई तोड़ नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है किसी भी पार्टी का। आज मैं बड़े गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि मैं आज भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ और मुझे गर्व है और मुझे पिछला दुख है कि मैंने अपने जो किस लोगों के साथ और कैसे किया, इन्होंने अंत तक लास्ट दिन तक जब तक टिकटें डिक्लेयर नहीं होती जब तक कार्यकर्ताओं को भ्रम में रखा, उनसे काम करवाते रहे, उनसे जगह जगह चीज़ें करवाते रहे, पोस्टर लगाओ जी, बैनर लगाओ, सर्वे हो रहा है। इन सर्वे का क्या महत्व है जब आप पोटली पे ही टिकट दे रहे हो? तो जिसकी पोटली भारी है उसको वैसे ही बोल दो कि भाई टिकट आपको मिलेगी, आप ही काम करो। बड़ा दुख हुआ मुझे और आज मैं बड़े भारी मन से कह रहा हूँ और बाकी उन सभी कार्यकर्ताओं से भी मैं आग्रह कर रहा हूँ कि आप भी आगे आओ। अगर ऐसी चीज़ें आपको भी दिख रही हैं अपने क्षेत्र में, छोड़ो पार्टी, देश के साथ जुड़ो। देश की प्रगति के लिए जो पार्टी देश के लिए खड़ी है उसके साथ जुड़ जाओ, अपना तन मन धन सब न्यौछावर कर दो देश के लिए। जय हिंद, जय भारत। मेरे साथ शिव प्रसाद शाह हैं, बसपा को इन्होंने ज्वाइन किया था और उसके बाद
ये वार्ड 123 23 ककरौला जो मटियाला विधानसभा में है उसके प्रत्याशी बन गए जी भाजपा से जी। अब इनको समझ आ रहा है यहाँ पर कि अगर कोई पूर्वांचलों का सबसे बड़ा ध्यान रखने वाला संगठन है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। पिछले दिनों देखा था आपने आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष थे उन्होंने ही ज्वाइन किया था और पूरा पूर्वांचल मोर्चा यहाँ पर ले आए थे। और आज मैं समझता हूँ शिव प्रसाद शाह के आने से भी हमारी और मजबूती मिलेगी और ये भाजपा के प्रत्याशी के समर्थन में अपना नाम वापस लेंगे और पूर्वांचल का हमारे मोर्चे को और मजबूत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का परिवार इसलिए बढ़ रहा है, वो हमारे कारण नहीं बढ़ रहा, वो ज़्यादा इस कारण से बढ़ रहा है कि आम आदमी पार्टी के नित नए भ्रष्टाचार जो है वो सामने आ रहे हैं जाकर। और केवल यही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो मोह है वो अपनी पार्टी से भंग हो रहा है। उनको ऐसा लगता है इतने सालों के अंदर वो ठगे गए हैं और वहाँ पर नैतिकता और मेरिट की कोई बात ही नहीं रह गई है। इसलिए मैं सच बताता हूँ अगर हम यहाँ कैंप लगा दें, क्योंकि बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता आम आदमी पार्टी के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को भी कि अगर हमें ज्वाइन करना है तो किसको अप्रोच करें, तो अगर हम यहाँ कैंप लगा दें तो लंबी लंबी लाइनें लग जाएंगी पूरी दिल्ली से, जो कार्यकर्ता ये सोचते होंगे कि हम ज्वाइन करें। और अगर वो ज्वाइन नहीं भी कर पाएंगे तो भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ इनका उस बार मत जाएगा जी। तो आज के प्रेस के अंदर हमारे बीच में हमारे सीनियर लीडर विजेंद्र गुप्ता जी हैं, वो बताएंगे कौन कौन लोग आज हमारे बीच में आ रहे हैं और कैसे कैसे वो प्रभावशाली लोग हैं जो इस MCD चुनाव के अंदर प्रभाव डालेंगे और विशेष रूप से वो रोहिणी क्षेत्र से हैं श्री विजेंद्र गुप्ता जी। साथियों, मैं सबसे पहले तो ये चाहूँगा कि एक मैं यहाँ पे जो हमारे प्रमुख नेता हैं आम आदमी पार्टी के राजकुमार शर्मा जो मेरे राइट पे बैठे हैं और आप अध्यक्ष हैं एक वार्ड के और डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी और डिस्ट्रिक्ट का वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं और RWO के जनरल सेक्रेटरी हैं और प्रभावशाली व्यक्ति हैं और पिछले लगभग 9 वर्षों से दिन रात सब काम छोड़ के सिर्फ एक ही उद्देश्य के साथ कि आम आदमी पार्टी को आगे बढ़ाना है। आम आदमी पार्टी का काम रोहिणी विधानसभा में लगातार कर रहे थे और राजकुमार शर्मा जी वहाँ पर वार्ड के अध्यक्ष भी हैं और उन्होंने अपनी मनोस्थिति भी वो आपके सामने रखेंगे, मैं उनका स्वागत करता हूँ। साथ में उनके अरविंद कुमार भास्कर जो संगठन मंत्री हैं, ये पूर्व हैं संगठन मंत्री पार्टी के, रुचि का सूद ये संगठन मंत्री हैं वर्तमान में, रमन तुली जो सचिव हैं और बिशन सिंह प्रचार मंत्री हैं, कांता कपूर महिला संगठन मंत्री हैं और जय भगवान, ये 7 लोग रोहिणी विधानसभा के जो वहाँ पर एक स्तंभ था पूरा ढह गया है और रोहिणी विधानसभा में आम आदमी पार्टी के पास अब पदाधिकारी भी नहीं है और कार्यकर्ता भी नहीं है और ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि चुनावों के दौरान जो भ्रष्टाचार टिकटों को बेचने का हुआ और कार्यकर्ता की अवहेलना हुई। पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि राजकुमार शर्मा जी बहुत प्रोमिनेंट लीडर हैं आम आदमी पार्टी के, लेकिन ये इन्होंने टिकट नहीं मांगा था, ये संगठन के काम में जो है पूरी तरह से इनकी स्पेशलाइजेशन है और संगठन के ही काम में ये लगे हुए थे और इन्होंने चुनाव लड़ना है ऐसा ना विधानसभा में और ना
नगर निगम में कभी इस तरह का अपना कोई दावा पेश किया या कोई प्रयास किया। तो ऐसे लोग भी जो डेडिकेटेड हैं ऑर्गेनाइजेशन में, आम आदमी पार्टी में, वो भी आम आदमी पार्टी छोड़ रहे हैं। और जो लोग आए हैं ये तो फेसेस हैं, लेकिन इनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। और जो लोग जिनकी पहचान बन गई थी कि वो जाते थे तो आम आदमी पार्टी की पहचान के साथ जाते थे, लोग उनको एक एक्नॉलेजमेंट देते थे, आज उनके साथ वो लोग भी भारतीय जनता पार्टी के साथ कहीं ना कहीं जुड़ रहे हैं, क्योंकि उन सब का मत भी इनके साथ है। तो हम यहाँ पर विजय गोयल जी की मौजूदगी में आज इनका यहाँ पे ज्वाइनिंग होगी भारतीय जनता पार्टी में। और ये जो आप जानते हैं कि इससे पहले भी रोहिणी विधानसभा में ही वार्ड 54D से जो आम आदमी पार्टी की चुनाव में एस्पिरेंट थी, जो दावेदारी थी जिनकी, बिंदु श्रीराम, उन्होंने जो स्टिंग किया और वो जो सबके सामने आया, उससे भी इन तमाम उनकी पार्टी के लोगों को ये लगा कि यहाँ तो पूरा एकदम अमला ही गड़बड़ है। तो ये सब यहाँ आए हैं, हम इनका स्वागत करते हैं।